2, let's read the question. The order of screening effect of the electrons of s, p, d and f orbital of a given shell of an atom on its outer shell electron is, यहाँ पर फोर सीक्वेंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बताना है ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इन ऑर्बिटल्स। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, जिसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या होता है बेसिकली, देखो इसे देखते हैं। जैसे ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर। और ये इलेक्ट्रॉन कहीं इस न्यूक्लियस में ना चले जाए और अपनी जो आइडेंटिटी है एटम की वो खत्म ना हो जाए, उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्शन वर्क करता है, और इस रिपल्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट कर रहा है या फिर शील्ड कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उस रिपल्सिव इफेक्ट को बोला जाता है, जो कि इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वहां पर फोर्स जो है एग्जर्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अब जैसे जैसे क्या होता है कि एटॉमिक मास इंक्रीज करते जाते हैं, तो जब एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, डायरेक्टली हम एटॉमिक नंबर से ले लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर अगर यहाँ इंक्रीज करेगा तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही क्या करेंगे, ये भी इंक्रीज करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वहां पर बढ़ता जाएगा। अब जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो वहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब होल एटम जो है वो न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो अट्रैक्टिव पावर है ये यहाँ पर उतनी नहीं हो पाती जितनी कि यहाँ पर आपका रिपल्सिंग जो रिपल्सिव पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल करने की पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे जैसे अगर हम और दूर यहाँ शेल्स में जाते जाएंगे तो ये जो शील्डिंग पावर है यानी कि जो रिपल्शन करने की पावर थी जो पहले यहाँ बहुत ज्यादा थी, अब वो धीरे 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 करके यहाँ पर कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इनर वाले हैं वो आउटर पर उतना अपना इफेक्ट यहाँ शो नहीं कर पाएंगे। इसे हम एक फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है, इट मींस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये आपका इक्वल हो जाता है न्यूक्लियस के चार्ज के, और माइनस इसमें से क्या हो जाता है, ये यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट का सिंबल है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो शील्डिंग को अगर हम माइनस कर दें और न्यूक्लियस चार्ज अगर बढ़ता जा रहा है, तो इतना जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर बन जाता है। तो बेसिकली अगर हम ऑल ओवर बात करें तो जितना वहां पर शेल न्यूक्लियस के पास होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपका शील्डिंग बनेगा। तो सबसे ज्यादा पास आपके कौन सी शेल होती है न्यूक्लियस के, एस, उसके बाद उससे दूर होती है आपकी पी, उसके बाद और दूर होती है डी, और उसके बाद एफ। तो अगर हम सेम नंबर ऑफ एन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑर्डर आपको यहाँ फॉलो होगा, इट मीन्स ए जो है वो आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।